तो स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड को लेकर। जैसा कि आप सभी का वोटर कार्ड बना होगा, अगर आपकी एज 18 प्लस है तो दोस्तों आप सभी का वोटर कार्ड जरूर बना होगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो कैसे आप बना सकते हैं, या फिर आपका बना हुआ है खो गया है तो उसे आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपका पुराना वोटर कार्ड बना हुआ है, अभी आपका कार्ड वाला नहीं बना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर न्यू वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे आप न्यू वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करेंगे आज के वीडियो से। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है वोटर्स ECIGovernment.in, इतना लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करोगे तो आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाओगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, इस पोर्टल पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कई सारे यहां पर फॉर्म भी दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपका यहां पर वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्शन। यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड, अगर आपकी 18 साल से एज अधिक है, 18 प्लस है, तो यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड, न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बना है तो उसे कैसे यहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ई इपिक डाउनलोड। यहाँ पर आपको ई इपिक डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, या पहले से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, या ईपिक नंबर डाल सकते हैं। पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं ओटीपी के थ्रू। इसके बाद अगर दोस्तों पहले सबसे पहले आप न्यू हैं, अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पर आपको साइन अप का भी ऑप्शन है, साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड अपना डालकर यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ से आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ से आपको अपना लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर आपका है, और यहाँ पर आपने जो उसमें रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड बनाया था, पासवर्ड को डालकर यहाँ पर कैप्चा को डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, लॉगिन करने से पहले यहाँ पर आपके पास इपिक नंबर होना अनिवार्य है, आपका वोटर आईडी नंबर होना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप डालकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, सबसे पहले आपको वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर निकालना रहेगा, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर पता करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद उसी पोर्टल पे आ जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सर्च इलेक्टोर रोल। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप इपिक नंबर से सर्च करना चाहते हैं, अगर आपके पास इपिक नंबर है तो उसे सर्च कर सकते हैं, तो इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास इपिक नंबर नहीं है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है विवरण के द्वारा खोजे, तो यहाँ पर आपको विवरण के द्वारा आप खोज सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इपिक नंबर से उसे डिटेल से सर्च करेंगे, विवरण के द्वारा यहाँ पर हम सर्च करेंगे, इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिस भी स्टेट से आप आते हैं, अपना स्टेट यहाँ पर आप चयन करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज यहाँ पर आपका हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जिस नाम से आपका वोटर आईडी कार्ड बना है उसका फर्स्ट नेम डालना है। देन यहाँ पर आपको लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके फादर्स का नाम, रिलेटिव का नाम, अगर आप
के फादर हैं तो आपको यहाँ पर फादर का नाम अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में पड़ा है तो उसमें डालना है, अगर आपका मदर्स का नाम पड़ा है तो मदर्स का डालना है, या आपके पति का नाम पड़ा है तो यहाँ पर आपके पति का नाम डालना रहेगा। फर्स्ट नेम अगर सेकेंड नेम है तो आपको इसमें डाल लेना है। देन यहाँ पर आपको नीचे आना है, फिर यहाँ पर आपको अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है जो आपके वोटर आईडी कार्ड में पड़ी हुई है तो आपको यहाँ पर डेट जन्म डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या वोटर आईडी कार्ड में पड़ी है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आई वाले ऑप्शन पे एज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको जिस जितनी भी एज आपकी होगी उस एज को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको अगर एक बार नहीं आता है तो इसे घटा बढ़ा कर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा, मेल है फीमेल है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको विधानसभा अपनी विधानसभा जो भी लगती है उसको आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है जो यहाँ पर दिख रहा है इस बॉक्स में, उसको डालकर सर्च पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपका डिटेल ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पर आपको ईपिक नंबर मिल जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर डिटेल ओपन होके आ चुका है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल देखने को मिल चुकी थी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका ईपिक नंबर शो हो जाएगा, नेम आपका शो हो जाएगा, एज कितनी है यहाँ पर रिलेटिव शो हो जाएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट असेंबली, यहाँ पर आपका एड्रेस सब कुछ डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोलिंग स्टेटस से लेकर सब कुछ डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप विवरण देखना चाहते हैं डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिटेल भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपका ईपिक नंबर मिल चुका है, ईपिक नंबर को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। जैसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करने के बाद अब इसे आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना लॉगिन करना रहेगा, यहाँ पर हम लॉगिन ईपिक डाउनलोड वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम आपको लॉगिन हम रजिस्ट्रेशन हमारा पहले से है, हमारा रजिस्ट्रेशन हमने कर रखा है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड डालना रहेगा जो आपने बनाया था, जैसा कि अभी हमने बताया था। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिलअप कर लेते हैं, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करके आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको ओटीपी डालनी रहेगी। फिर यहाँ पर वेरीफाई लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हम ओटीपी डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं इसको लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले ईपिक डाउनलोड का जो ऑप्शन फिर से आ चुका है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पेज लोड होगा और आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईपिक नंबर जो अभी आपने निकाला है उसको डालना है। देन यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से आप आते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर हम ईपिक नंबर फिलअप कर लेते हैं। ईपिक नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से आपकी डिटेल ओपन होके आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके नंबर पे ओटीपी जा चुकी है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ओटीपी फिलअप करके आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो ओटीपी आ चुकी है, हम ओटीपी इसमें फिलअप कर लेते हैं। ओटीपी यहाँ पर हम डाल लेते हैं जो भी ओटीपी आई है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी वैलिडेशन डन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड ईपिक का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से आपका ईपिक यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, इस पीडीएफ को आपको ओपन करके देख लेना। आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका पीडीएफ ओपन होगा, यहाँ पर आपकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड कुछ इस प्रकार से आपका आ चुका है। यहाँ पर आप इस प्रकार से अपना वोटर आईडी कार्ड खोया हुआ वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।